हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगेरी आई होप ओल्फेर डूइंग ग्रेट फाइन एंड सेफ आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी लॉजिकल रीजनिंग फॉर सी यू डी पी जी सी ओ क्यू पी इलेवन जिसका कोड है एग्जाम का जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी एल एल बी के एंट्रेंस एग्जाम है बी एच यू की भी एडमिशन बी एच यू लॉ के एडमिशन भी आपकी इसी के थ्रू होने वाली है एंड और भी बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं जिनकी लिस्ट आपको मैंने वीडियो कर दी थी उसमें मिल जाएगी राइट right, तो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट कैसे प्रिपेयर करना है कौन सी बुक्स में से क्या प्रिपेयर करना है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ चलिए देखते हैं अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो आप जा सकते हैं डब्ल्यू पर डायरेक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डू चेक इट आउट लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे नाम की बुक में इन्वेस्ट करना है एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे की बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं वो आए हैं आर्ग्यूमेंट्स एजाम्शन टाइप के क्वेश्चन और वो हमारे इसी बुक में से बहुत अच्छे से कवर होते हैं तो अगर आप ये बुक लेंगे तो आपके पास ऐसा सा कुछ इंडेक्स आएगा कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं देखिए बेसिक्स ऑफ लॉजिक आप पढ़ेंगे सम इनफॉर्मल टिप्स पढ़ेंगे एक्जाम्शन्स पढ़ेंगे फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग आर्ग्यूमेंट्स आप पढ़ेंगे कॉज एंड इफेक्ट पढ़ेंगे सोलॉजिजम पढ़ेंगे इवेलुएटिंग इन्फ्लेंस यहाँ पर आपका कंक्लूजन भी साथ में ही कवर हो जाएगा आप एक्सरसाइज में देखेंगे और फिर उसके बाद अगर आप बैकअप के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्सेज ऑफ एक्शन भी पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक टॉपिक होगा जहां पर आपका जो है पजल टेस्ट और ब्लड रिलेशन जो कि आप किसी और बुक में से कवर करेंगे उसके बारे में, में बात करूंगी बट इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो वो आप कर सकते हैं देखिए ये वाले जो टॉपिक मैंने मार्क करे हुए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप पहले कवर करें एंड फिर कोई और जो टॉपिक्स है वो आप कवर करें राइट right? उसके बाद आगे बात करते हैं अब देखिए जो नेक्स्ट है आपका वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल तो एक बुक आपको ये लेनी है देखिए दोनों ही बुक्स बहुत बढ़िया हैं. बट जो जो टॉपिक्स मैं बता रही वो ही कवर करें उन बुक्स में से देखिए यहाँ से सीरीज कवर करना एनोलॉजी कवर करना क्लासिफिकेशन जो कि ऑड वन आउट कहते हैं वो कवर होगा कोडिंग डी कोडिंग कवर होगा ब्लड रिलेशन कवर होगा पजल टेस्ट कवर करना है आपको डायरेक्शन से टेस्ट कवर करना है ठीक है उसके बाद बैकअप के लिए आप जो कवर कर सकते हैं वो है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस ठीक है बैकअप क्या

फोकस करेंगे ऐसे हम सब कुछ तो कवर करके जा नहीं सकते हैं तो हम क्या करेंगे हम जो टॉपिक्स इन्होंने डायरेक्टली वो कवर करेंगे एंड प्लस जो पीवा में आए हुए हैं वो टॉपिक्स करेंगे अब कुछ टिप्स देखिए लॉजिकल रीजनिंग को कवर करने के लिए जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूं सबसे पहले जो भी ट्रिक्स आपको पता चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते उनको अपनी बुक में ही नोट कर लें ठीक है जो भी क्वेश्चन आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं या फिर जो डिफिकल्ट होता है उनको भी आप मार्क कर लें ठीक है बुक के अंदर आंसर्स मार्क मत करें क्योंकि आप सेम क्वेश्चंस दोबारा सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए ठीक है और रिविजन के टाइम पे ये ट्रिक्स और रॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चन को रिवाइज करने तो आपकी रिविजन भी यहीं से हो जाएगी जो टॉपिक्स मैंने जिस बुक में से बोला उसी में से सॉल्व करने की कोशिश करें क्योंकि उसके पीछे रीजन है फॉर श्योर एंड अगर आप हमारे मॉक्स बाय करना चाहते हैं और मटीरियल बाय करना चाहते हैं तो डब्ल्यू पर जा सकते हैं डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कोई भी डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हैं एंड अगर आप चाहते हो कि किसी और बुक का भी मैं ऐसे करूं जो आप यूज करें या बहुत सारे बच्चे करें या फिर जो मैंने रेकमेंड किया है तो वो आप मुझे बता सकते हैं प्लेलिस्ट जरूर चेक करना हाउ टू द पेपर, हाउ टू एनालाइज द पेपर ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया हुआ है जल्दी से चेक करना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दैट्स इट। लॉगरी। साइनिंग ऑफ। आई सुपर सून। बाय